नमस्कार, हम राकेश कुमार और रुआ देख रहा बनी फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। भोजपुरिया बुलेटिन में आज जौन हम चीज बतावे जा रहा बनी बड़ा भयावह ही बा कि पूरा दुनिया में जो कोरोना के केस बा ओकर 40% खाली भारत में हो रहा बा। अब देखिए कि 4 लाख के आंकड़ा पार कर गए, प्रतिदिन जो नया कोरोना पेशेंट मिल रहा बा वो 4 लाख से ज़्यादा हो गए। जैसे पिछला 24 घंटा में 4,01,993 गो नया कोरोना पेशेंट मिलल, मौत के भी आंकड़ा वही अनुपात में बढ़ रहा बा। 3,523 आदमी के मौत भेल बा 24 घंटा में। अब अगर पूरा देख लेवल जाए कि अभी तक कितना आदमी कोरोना से संक्रमित भेल तो वो बा 1,91,64,969 आदमी जो कोरोना से संक्रमित हो चुकल बा। आ वहीं कुल मौत के जो संख्या बा, जे मतलब कोरोना से अब तक जे लोग मरल बा, उ संख्या बढ़ के हो गेल 2,11,853 गो। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाकी के क्षेत्र बचल बा। जैसे बिहार में देखी, बिहार में 24 घंटा में 152 गो मौत भेल बा। 152 गो मौत, जौना में खाली 30 गो तो पटने में भेल बा, पटना में 30 गो, आ बाकी 122 गो जे मौत बा उ अन्य जिला में बा। हालांकि दोसर बात बा कि सरकारी पुष्टि जे बा से 80 मौत के ही बा। उत्तर बिहार में भी बड़ी तेजी में फैल रहा, बहुत तेजी में उत्तर बिहार में। अब देखिए बेतिया में, बेतिया जैसन जगह में भी कालू 18 गो मौत भेल बा। अच्छा, वहीं मुजफ्फरपुर में 9 गो मौत भेल बा। तो स्थिति बड़ा विस्फोटक भेल जा रहा बा। एकरे के देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जे बानी, वहाँ का विधानसभा के 15 मई तक बंद कर देनी है कि बहुत अत्यावश्यक कार्य हुई तो वहीं विधानसभा खुली, अन्यथा बंद रही। अब यह कोरोना के काल के गाल में समा गए प्रभात खबर के हाजीपुर के ब्यूरो चीफ रहे हैं सुनील कुमार सिंह, उनकर मौत हो गए कोरोना से। आ यूपी पंचायत में, अभी देखिए पंचायत चुनाव आ चुनाव ये सब तारों जबा से कोरोना के फैलावे में बहुत बड़ा भूमिका निभेलक है। आज प्रियंका गांधी के एगो ट्वीट आयल है। प्रियंका गांधी में कहले बड़ी ये बात, मांग कहले बड़ी कि पंचायत चुनाव में जे ड्यूटी में गए रहे शिक्षक लोग, ओ में 500 आदमी के मौत भेल बा, तो ओकरा परिवार के जेबा से समुचित सहायता सरकार का देवे के चाहिए, नौकरी देवे के चाहिए, ये तरह के मांग भेल बा। आ पप्पू यादव के जानते बानी, जन अधिकार पार्टी के जे अध्यक्ष बने, वो देखी कालू पटना दीघा के जे श्मशान घाट बा वहाँ चल गए निरीक्षण करें। ये वीडियो देखी। अरे इधर आ जाइए सर, उधर देख रहे हैं, मानेंगे यहाँ तक 17 20 रकम तय किए थे पैसे।
श्मशान घाट के निरीक्षण के दौरान पैलन कि ये एगो लाश जलावेला वहाँ के जो डोम राजा लोग बा उ लोग 10,000 से 20,000 रुपया के डिमांड कर रहल बा। अच्छा, ये सब है जानता, परिजन ये बात के गुहार लगा रहल बा, ये बात के शिकायत कर रहल बा, लेकिन प्रशासन का तरफ से अभी तक कोनो पर कार्रवाई ना भेला। ये पप्पू यादव जो बा से आरोप लगेले हैं जो प्रशासन मौन काहे बा। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के जे बड़ा प्रखर नेता मानल जाने आजम खान जे रामपुर से सांसद बने, यूपी का रामपुर से, आ पिछला एक साल से लगभग सीतापुर जेल में रहले हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आ जब जाँच भेल तो 13 आदमी जेल के जेबा से कोरोना पॉजिटिव निकलल है, उन लोग के उपचार हो रहा बा। अब देखिए आगे का होता। एगो अभिनेता रहस क्लासिकल फिल्म सब में बड़ा उनका के देखल गेल हुई, विक्रमजीत कंवर पाल, उनकर मौत हो गेल कोरोना से। अच्छा, पत्रकारिता के स्तंभ रहल बने बिहार में सुकांत नागार्जुन, महान कवि जय नागार्जुन रहस उनकर सुपुत्र आ पत्रकारिता के स्तंभ, हिंदुस्तान सहित बहुत सा अखबार में वो संपादक रहल बने, बड़ा बड़ा पद पर सुशोभित पद के कैले बने, उनकर भी देहांत हो गए। हालांकि उनकर कोरोना से देहांत भेल बा ऐसा सूचना नहीं है, लेकिन उनकर देहांत हो गए जैसे पूरा पत्रकारिता जगत में एगो शोक के लहर चल रहा बा। अब देखिए, बाहुबली सांसद सिवान के शहाबुद्दीन के कोरोना से मौत हो गए। पहले तो खबर आयल तो फिर ओकरा बाद में जेल प्रशासन जना जेल में बंद रहे हैं तिहाड़ में, वो लोग वहाँ से जे पुष्टि ना कहलक, वो कहलक जे नहीं खबर गलत है। हालांकि उनका पिछला 21 तारीख के कोरोना पॉजिटिव भे रहस, संक्रमित भे रहस, ओकरा बाद उनकर इलाज दिल्ली का एगो अस्पताल में होत रहलक। लेकिन अभी कुछ देर पहले फिर जेल प्रशासन जे बा उनका मौत के पुष्टि कर दिलक। हालांकि वो मौत का पुष्टि के बाद राजद या सिवान के जो उनका समर्थक लोग रहला, ये लोग में शोक के लहर बा। यहाँ के नीतीश कुमार तक जबा से शोक संवेदना व्यक्त कैलन, तेजस्वी यादव एकरा के लेके बड़ा भावुक रहल हैं, चूँकि वो राजद के सांसद रहस आ राजद में शुरू से जुड़ल रहस। वैसे ही देखिए, चंपारण के एगो हरफन मौला क्रिकेट खिलाड़ी रहस, उनका वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, दिल्ली में इलाजरत रहे हैं, उनका नाम रहा शैलेश कुमार श्रीवास्तव, उनकर भी निधन हो गए आज। ओकरा के लेके यहाँ जे क्रिकेट एसोसिएशन के लोग बा उ सबके शोक संवेदना व्यक्त कैलक है। आ एगो तरह से कहीं जे पूरा मरमाहत बा लोग, चूँकि यहाँ के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी में उनकर नाम रहला। अब देखिए, पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि बा, उ हरसिद्धि 19 जिला परिषद क्षेत्र जे बा वहाँ के पार्षद रहे हैं हरिशंकर शाह, उनकर भी मौत हो गए। ओलहा निवासी रहे हैं, आप बेतिया मेडिकल कॉलेज में उनकर इलाज चलत रहा, वहीं उनकर मौत हो गए। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं हरिनारायण चौधरी, उनकर मौत हो गए कोरोना से। हालांकि यही में एगो कोरोना के लेके ही लालू यादव एम्स से डिस्चार्ज भेलन, लेकिन कोरोना के स्थिति के देखते हुए वो बिहार ना आइले हैं। आ वहीं उनकर जो पुत्री बाड़ी मिसा भारती, उनकर आवास बा पंडारा पार्क में दिल्ली में, वहीं वो रहत रह गेल बड़े, वहीं रहियन अभी, जले स्थिति बेहतर ना हो जाता। हालांकि वहाँ रबड़ी यादव लोग सबके वो पहुँच गेल बा। एगो सूटर दादी के नाम सुन ले हम लोग, सूटर दादी उनकर नाम रहा, विख्यात नाम रहा, लेकिन ऐसे उनकर ओरिजिनल नाम रहा चंद्रो तोमर। आ राष्ट्रीय स्तर के लगभग शूटिंग में 50 को से ज़्यादा पदक
जीत के एगो इतिहास कायम कर ले रहा। लेकिन शूटर दादी के भी जेबा से ई कोरोना बा उठा लेलक, उ अब नहीं खी, उनकर मौत हो गई। उ जौहरी गांव के, हरियाणा के जौहरी गांव के रहे वाला रही है, तो यही हिसाब ये तरह से शूटर दादी भी ना रही। अब देखी कि यही में जो विपत्ति आपत्ति के काल बा, यही में कुछ लोग जो बा वो मौत के कैसे सौदागरी कर रहा बा, एकर जीता जागता सबूत मिल जाई पटना का हॉस्पिटल सब में। जैसे पटना में जे रोवर हॉस्पिटल बा, जितना भी हॉस्पिटल बा, PMCH कहीं, एम्स कहीं या जहाँ भी, वहाँ कुछ दलाल लोग घूम रहा बा। अब कोविड से जो पेशेंट मरा था, स्वाभाविक बा कि ओकरा के पैक करके देवल जा रहा बा, भेज रहा परिजन के देवल दिया था कि ओकर अंतिम संस्कार होखो। अब परिजन के ओकर चेहरा देखावेला, खाली चेहरा के खोलेला 1000 रुपया के डिमांड हो रहा बा। अब वहीं ओकरा के घरे तक अगर घर के ले जाए के चाहता तो घर ले जाएला पहुँचावेला 10000 के डिमांड हो रहा बा। उतना तो उतना श्मशान में गेला का बाद, बहुत आदमी तो सटत भी नहीं थे, परिजन भी अपन, तो श्मशान में गेला के बाद अर्थी पर खाली सौ के रखेला 10-10 हज़ार के डिमांड हो रहा है। यह स्थिति बा, माने ये जहाँ मानवीय संवेदना साफ मर गेल बा। एगो तो कोविड ऐसे ही नाता रिश्ता के समाप्त कर दिला कि कहानी रोज रुआ देख रहा बानी, उमें ये स्थिति बा। अब देखिए जब गुजरात के भरूच में कोविड एगो कोविड अस्पताल रहा, जना में 12:30 बजे रात का बाद कलू आग लग गया। वो आग में मोटा मोटी जे सूत्र बताओ था कि 18 कोविड पेशेंट के मौत हो गए। हालांकि निचला तल पर लगा रहे हमें लगभग 50 गुआरों पेशेंट रो लग रहे, ओकरा के शिफ्ट कल गए दूसरा जगह, लेकिन तब हुआ ये बात आ रहा बा। हालांकि हॉस्पिटल भी 12 आदमी के मरे के पुष्टि कर रहा बा, यो कह रहा बा कि एकर संख्या बढ़ सकता। अच्छा, ये पहला घटना नहीं क्या, एक पहले मुंबई में भी ऐसा घटना भे रहे है, आ यूपी में भी एगो ऐसा घटना भे रहे है। तो एगो दहशत के माहौल बा, बड़ा स्थिति खराब बा, या तो कोरोना लेता, कोरोना से जे बाँचेला जंग लड़ रहा बा, वहाँ अस्पताल में आग लग जाता था, आग में वो पहले ही समाहित हो जा रहा बा, ओकरा चिता के भी जरूरत नहीं के पड़त। कितना विभत्स स्थिति बा, ये समझे के जरूरत बा। आ वही में देखी जब मोतिहारी में बरियारपुर हुआ, बरियारपुर पुल का नीचे धनौती नदी बहले, ओकरे वहीं श्मशान बा। अब ये वीडियो देखी तरुआ समझ में आई, आ वहाँ के लोग कितना दहशत ज़्यादा बा ये देखी। मैं अभी छोटा बरियारपुर बाईपास चौक स्थित श्मशान घाट के पास ही खड़ा हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ। ये श्मशान घाट से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। यहाँ पे रोज एक दो कोरोना संक्रमित को भी जलाया जा रहा है। इस बीच यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी आ रहे हैं वो घोर लापरवाही कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग सुरक्षित अपने घरों में हैं उसे भी मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये श्मशान घाट है और यहाँ पे खुले में PPE किट को फेंक दिया गया है। अब ये PPE किट हवा में उड़कर कहीं भी जा सकता है, किसी को भी अपने शिकंजे में ले सकता है। और जो निर्दोष नागरिक हैं, जो अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, जिला प्रशासन की गाइडलाइन को मान रहे हैं, उनको भी इससे काफ़ी ख़तरा है। अब जैसे हवा काफ़ी तेज़ है, अभी देखिए ये कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये PPE किट कहीं भी जा उड़कर पहुंच सकता है। जिला प्रशासन अपने स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत करे कि ऐसी लापरवाही ना हो। ये देखिए, पास में ही 100 मीटर की दूरी पे ही ये सब बासिंदे हैं, घर है यहाँ पे। ये PPE किट खुले में फेंकने की वजह से ये लोग खौफ में हैं और अपने घरों में दुबके हुए हैं। ये देखिए, सड़कों पे सन्नाटा है, गाड़ी बाहर खड़ी है लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ये पास में भी एक घर है, ये देखिए, ये तो 50 मीटर के रेंज में है ये घर, इसमें भी लोग हैं।
लेकिन सब लोग अपना दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद करके घर में दुबके हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही से काफ़ी लोग सदमे में हैं, खौफ में है, डरे हुए हैं। अब यहाँ जे देखिए जे लाश सब जल रहल बा, लोग लाश जला रहल बा, पीपीई किट पहनले बा, तो एगो तो जस्ट ओकरा शमशान का बगल में जेबासी रिहायशी इलाका भी बा, लोग रहले तो ऐसे भी लोग का एगो दहशत बा। आ ओमे ई लोग लाश जलेला के बाद वो पीपीई किट के ऐसा ही खुले में छोड़ देता लोग, एकरा के लेके भी दहशत बा। वहाँ के लोग जेबासी जिला प्रशासन से गुहार लगेलक कि ए पर रोक लगे के चाहिए, अगर लाश जलावल जाता तो पीपीई किट के भी वही तरह से डिस्ट्रॉय कर जाए, ओकरा के समाप्त कर जाए कि उसे संक्रमण फैले के कोनो डर ना रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बा। हालांकि यहाँ जे एसके अशोक बाणे जिला पदाधिकारी बहुत संवेदनशील बाणे मामला में, आ जैसे उनका संज्ञान में मामला जा वैसे तुरंत ऊपर एक्शन लियन। वो कालू भी कई गो कोविड अस्पताल के निरीक्षण करने लगातार इमें लागल बढ़न कि बेहतर से बेहतर जिला में जबा से कोविड पेशेंट लोग बा उ लोग के बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया करावल जा सके। स्थिति अब देखी कि एगो एक्सीडेंट कालू हो गए मुजफ्फरपुर में गाय घाट जबा, गाय घाट का लगे जारंगडीह चौक बा, जारंगडीह चौक का लगे एगो स्कॉर्पियो इतना तेजी में आवत रहे कि वो एगो टेम्पू वाला के मरलक, आ टेम्पू के जो मरलक तो टेम्पू सीधे सड़क का नीचे खद्दा में जाके गिर गए। तो खैर उमें तो बहुत लोग घायल भेल उमें केहू, लेकिन ये स्कॉर्पियो इतना स्पीड में रहे कि टक्कर मरला का बाद सामने एगो खड़ा रहे गाड़ी कंटेनर उमें सीधे घुस गए। आ कंटेनर में घुसला के बाद बुझी कि स्कॉर्पियो के परखच्चा उड़ गए और उसमें चार आदमी के तत्काल वहीं मौत हो गई। बाद में जानकारी मिलल उसमें जो घायल एक आदमी बाचल वो बतैलक कि लोग दानापुर से दरभंगा जात रहे एगो शादी ला रिश्तेदारी तय करे। अब देखी कि उतना स्पीड में चलाल के क्या गरज रहे कि वो तेज गाड़ी चलाला के चलते संतुलन खोके आ चार आदमी के मौत हो गई। तो स्थिति बड़ा गंभीर बा। हमनी के ये आशा बा, विश्वास बा, आ रउआ लोग से निवेदन भी बा कि सब केहू सुरक्षित रही, मास्क के प्रयोग जरूर करी, और सबसे बढ़िया उपाय बा कि बिना जरूरत के एकदम घर से बाहर निकलने के जरूरत नहीं है। बहुत आवश्यक हो तो भैया घर से निकली, या घर से निकली तो पूरा मास्क पहन के डबल मास्क पहन के निकली। आ हमनी का चैनल पर नया हो कि तो निश्चित रूप से चैनल के सब्सक्राइब करें, आ हमनी का फेसबुक और ट्विटर पेज के लाइक करें। ताज इतने, फिर कल वही भेंट। नमस्कार।